हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल को। मैं आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आज की जो अपडेट होगी वो बहुत ही अच्छी अपडेट होने वाली है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ होने वाली है आपके लिए। जो 4000 वैकेंसी है उससे रिलेटेड एक अपडेट है, यानी कि जो 4000 वैकेंसी वाली जो CHO पद थे उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन स्टार्ट हो गया है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन है वो 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन चलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रिक्रूटमेंट 17-22 दिसंबर 2022। इसके अंदर ये दिया गया है, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि इसके अंदर सीरियल नंबर दिए गए हैं कि कितने सीरियल नंबर से कितने सीरियल नंबर के कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होंगे। ठीक है, रोम नंबर क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो मैं आप सभी को ये लिस्ट इन्फॉर्म देना चाहता हूँ या इस लिस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपका कौन से सीरियल नंबर है और कौन से सीरियल नंबर का किस रूम नंबर के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होगा और कब होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आपको रूम नंबर 309 और 310, यानी कि रूम नंबर 302 और 310 के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन होने वाला है। और कहाँ होने वाला है ये चीज़ें, 3rd फ्लोर कलम सेंटर, यानी कि जो कलम सेंटर है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है किंग जो कलम यूनिवर्सिटी के जो कलम सेंटर के 3rd फ्लोर के अंदर 309 और 310 रूम नंबर के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टाइमिंग है वो कब से लेके कब तक रहेगी, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो टाइम है 9 AM से लेके 5 PM तक जो आपका है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके अंदर क्या किया गया है, शिफ्ट डिवाइडेड की गई हैं कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने सीरियल नंबर तक के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और कौन सी सीरियल तक के कब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं डेट, रूम नंबर, टाइम और सीरियल नंबर। सबसे पहले है 17 दिसंबर, यानी कि 17 दिसंबर को रूम नंबर 309, यानी कि 309 के अंदर सीरियल नंबर 1 से लेकर 200 तक, तो 9 AM से 1 AM, यानी कि इस एक शिफ्ट, पहली शिफ्ट है 9 AM से लेकर 1 AM के बीच में 1 से लेकर 200 जो सीरियल नंबर हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर बीच में 1 घंटे का गैप रहेगा 1 से 2। फिर 309 में जो 2 PM से लेकर 5 PM तक 401 से 406, यानी कि 401 से 406 के डॉक्यूमेंट्स सीरियल नंबर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद इसी प्रकार रूम नंबर 310 में 9 AM से लेकर 1 PM तक 201 से 400 तक के होंगे और 2 PM से 5 PM 601 से 800 तक के होंगे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि एक दिन में लगभग 800 लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। इसी प्रकार 18 तारीख दे रखा है, वही 309, इसमें सीरियल नंबर दे रखे हैं। और इसके अंदर कब कितना दिखाया गया है कि 8 तारीख को जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो 2100 तक हो जाएंगे। यानी कि 1st 17 तारीख को 800 लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद 2nd अगर 18 तारीख को बात करूँ तो 18 तारीख तक लगभग 1200, यानी कि 1100 या 1200 के आसपास लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इसी प्रकार 19 तारीख को होगा, देख लीजिए आप। इसी प्रकार 20 तारीख को, यानी कि 19 तारीख को वही सीरियल नंबर, टाइम, डेट वगैरह। इसी प्रकार 20 तारीख को होगा सीरियल नंबर, टाइम, डेट वगैरह, ठीक है। उसी के बाद इसी प्रकार 21 को, 22 को, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा 21 को, 22 को। और टोटली जो सीरियल नंबर है कब कितने तक सीरियल नंबर है, यानी कि 7317 तक यहाँ सीरियल नंबर दिखाए गए हैं। इन 7317, यानी कि 7317 लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा इस वैकेंसी के अंदर। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद उसका क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट निकलेगी, यानी कि फाइनल लिस्ट निकलेगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो यही एक अच्छी, मैं सोचा कि आपको ये अपडेट दे दूँ, तो ये अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेस्ट रहेगी या अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नई मैं अपडेट 4000 से CHO से रिलेटेड अपडेट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।